नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा हुजूर तहसील के अंतर्गत हल्का बांसा के पटवारी को हटाने के लिए युवा एकता परिषद ने कलेक्टर से लगाई गुहार। रीवा हुजूर तहसील के अंतर्गत हल्का बांसा के पटवारी संतोष पांडे का विरोध लगातार ग्रामीण जनों द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी ग्रामवासियों द्वारा पटवारी पांडे के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी थी, किंतु संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। बताई गई जानकारी के अनुसार पटवारी संतोष पांडे हर छोटे से बड़े कामों में अच्छी खासी रकम वसूलता है, जिससे त्रस्त ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद से गुहार लगाई, जिसे युवा एकता परिषद के पदाधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए पहले उच्च अधिकारियों से शिकायत की तथा आज परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या के निर्देशन में तथा संभागीय संयोजक विकास अग्निहोत्री के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पटवारी संतोष पांडे को हटाते हुए जांच कर कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं कलेक्टर महोदय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए SDM हुजूर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए संभागीय संयोजक विकास अग्निहोत्री ने कहा कि जल्द ही कार्यवाही न होने पर मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपन सो गए हैं। ये हुजूर तहसील के अंतर्गत गांव बांसा आता है। बांसा के पटवारी हैं संतोष पांडे, जो 2017 से लगातार उनका विरोध हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, चाहे नामांतरण हो, PM सम्मान निधि वाला नाम जोड़ना हो या कुछ भी। और रेलवे में भी उनका काफ़ी विरोध हुआ है, काफ़ी घोटाला के नाम से बताया जा रहा है कि घोटाला किया है, और मीडिया भी कई महीनों से विरोध कर रही है। उसी मांग को लेकर हम यहाँ पर आए थे। रेलवे में लगभग कितने का घोटाला हुआ है? इसका तो मुझे अनुमान नहीं है, पर मीडिया के आधार पर मीडिया जैसे बता रही है कि करोड़ों का घोटाला है। तो किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पटवारी साहब की पूरी करतूत है। जी, किसानों ने आरोप लगाया है कि पटवारी साहब की पूरी कार्रवाई, पटवारी साहब ने बड़ा गुड़बल दिया। पटवारी साहब वो उसमें ये कर रहे हैं कि मतलब जैसे कोई भी काम, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, किसी का रेलवे में भी जैसे कि उनका नामांतरण हुआ है या कि उनका नाम चढ़ाना है अवार्ड पत्रक, कुछ भी हर चीज़ की उन्होंने अच्छी खासी रकम वसूली है, और उसी की जांच के लिए यहाँ पर आए हैं कि जांच करके कार्रवाई करें और वहाँ से हटाया जाए। कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब ने तुरंत निर्देश कर दिया SDM मैडम को, जांच कराने का पूरा आश्वासन दिया है। देखिए आगे क्या नाम बता दें। विकास अग्निहोत्री, मोबाइल नंबर 3।